Welcome in London Satyam Show. Satyam Kachat this side from PharmaChain. Let's start your video. सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है फार्मास्यूटिकल में कॉस्टिंग। अगर आपकी कॉस्टिंग नहीं, फार्मास्यूटिकल में ही नहीं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कॉस्टिंग देखी जाती है, ठीक है। तो कॉस्टिंग ही अगर आपकी नहीं मैच करेगी तो आप फिर प्रॉफिट क्या करोगे, और फिर वो कंपनी धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो आपको एक्चुअल कॉस्टिंग निकालने आना चाहिए। सपोज करो आप सिक्स सिग्मा के बेस पे कॉस्टिंग कर रहे हैं और आपकी जो कंपनी, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो फोर सिग्मा पे भी प्रॉपर नहीं रिजल्ट दे पा रही है, तो फिर क्या होगा कि आपकी कॉस्टिंग बेकार हो जाएगी और आपका प्रॉफिट डिक्रीज करने लगेगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है, जितनी भी अधिकतर इंडियन कंपनी सेकंड लेयर में जितनी भी कंपनियां, वो फोर सिग्मा पे ही आज के डेट में वर्क कर रही हैं, जिनकी परसेंटेज 94, 95, 96% ईल्ड होता है, ठीक है। तो मैंने जनरली 97% का ईल्ड लेके आज कॉस्टिंग कर रहा हूँ ड्राई पाउडर का। तो मैं आपको दिखाता हूँ सेप्टिक जॉन की, मैं इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ 1 ग्राम की। तो अगर आपका 1 ग्राम आपको स्ट्रेंथ चाहिए एक वायल में, तो आपको 97% ईल्ड लेते हो तो आपको इसका स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, 100 को डिवाइड करोगे 97 से, तो ये आएगा आपका अराउंड 1.03। तो मतलब ये आपका एक स्ट्रेंथ हो गया, मतलब 1 ग्राम को स्ट्रेंथ को मैनेज करने के लिए आपको 1.03 ग्राम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यही ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया 1 ग्राम के लिए। जैसे देखिए यहाँ टोटल बाइल हम इतना बना रहे हैं और 1 ग्राम के लिए इतना बना रहे हैं, तो टोटल क्वांटिटी हमारी इतनी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए वो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका करीब करीब अराउंड, और 10,000 का वैल्यू रखा है तो अराउंड आपका इतना वैल्यू आ जाएगा आपका आरएम का, ठीक है। तो आरएम का इतना वैल्यू आया, तो एक वायल पे आपको 10.85 रुपये पड़ेगा वायल पे, ठीक है। तो ये आपका एक वायल का कॉस्टिंग है। अब आ जाइए पैकिंग मटेरियल क्या क्या लगेगी। तो सबसे पहले 10 ml की आपको वायल लगेगी जो टाइप थर्ड, ये वेन इंजेक्शन है तो आप टाइप थर्ड भी यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा 20 ml का GBR लगेगा, ये आपका GBBR लगेगा, GBBR भी ले सकते हैं, GBR जनरली GBR ही लेते हैं इसमें, और 20 ml फ्लिप ऑफ सील लगेगी। इसके अलावा आपका 3-ply का कार्टन लगेगा, 3-ply कार्टन का लेबल लगेगा, वायल का लेबल लगेगा, सिपर का लेबल लगेगा, सिपर लगेगा, उसके बाद उसके ऊपर हैंडल विथ केयर का लेबल लगाएंगे, BOPP टेप लगेगा, सेलो टेप लगेगा, स्टेपिंग रोल लगेगी और स्ट्रेच फिल्म लगेगी। तो ये जाके आपका पूरा का पूरा पैकिंग तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसके अलावा CCPC लगेगा, इसके अलावा आपका एनालिटिकल चार्ज लगेगा, ठीक है। ये तो फिर आपकी पूरी कॉस्टिंग निकल जाएगी। तो ये देखते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 लाख बैच लिया है, 1 लाख डिस्पैच क्वांटिटी लिया है, तो उसके लिए बैच साइज हमने 1.3350 लिया, ठीक है। ये हमारे यील्ड के अकॉर्डिंग लिया, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी हम कितना ले रहे हैं, 1.03350, ठीक है। ये हमारा बैच बनेगा, तो जाके डिस्पैच क्वांटिटी हमारी 1 लाख होगी, ठीक है। तो एक वायल में हमें इतना ग्राम लगेगा, तो ये तो आपने निकाल ही लिया, 10.85 रुपये लगे। अब आ जाइए 10 ml वायल कितना लगेगा, तो उसी हिसाब से हमारा 10 ml वायल भी लगेगा। इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है, यहाँ पे उतना नहीं लगेगा, यहाँ पे हमारा करीब करीब ये इतना बैच साइज हम बना रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आप ये ले लो, 1 point को मल्टीप्लाई कर दो इतना से, तो ये आपका ये आएगा। तो इतने वायल लगेंगे, एक वायल का दाम 75 पैसा रखा है, तो ये अराउंड 80, ये आपका एक कॉस्टिंग में 80 पैसा का वैल्यू देगा, ठीक है। ऐसे करके हमने लेबल, GBR भी है, लेबल भी है, ठीक है। इसके अलावा आपकी कंपनी, ये बॉटल का लेबल है, जो बॉटल का लेबल भी इतना लगेगा, तो 10 पैसा, तो ये 11 पैसा पड़ेगा आपका टोटल। उसके बाद 3-ply आपकी टोटल लगेगी 2060 3-ply लगेगी, तो एक 3-ply का दाम करीब करीब 8 रुपये, आप दाम बढ़ गया है इसका, करीब करीब 14 रुपये के करीब चला जाएगा, तो 14 रुपये हो गया, तो ये 29-30 पैसा पड़ेगा आपको, ठीक है, एक वायल पे कॉस्टिंग। इसी के तरह आपका इनर स्टिकर लेबल क्या पड़ेगा, 45 पैसा का है, तो ये आपका 1 पैसा का पड़ेगा। इसी की तरह से आपका वाइट बोर्ड का 7-ply आउटर, 7-ply एक एक छोटा छोटा 3-ply के बाद 7-ply लगाएंगे, तो 7-ply में कितना पड़ेगा, तो ये टोटल कॉस्टिंग आपकी जो जाती है PM की, वो 2 रुपये के करीब जाती है, और ये RM का कॉस्टिंग आपका 10.85 रुपये का जाता है, ठीक है। तो अब आ जाइए अपना RM नब देख ही ले, देखिए स्ट्रेच फिल्म है, स्ट्रेच फिल्म कितना लगेगा आपका, स्टेपिंग रोल कितना लगेगा आपका, सेलो BOPP टेप कितना लगेगा, सेलो टेप कितना लगेगा, हैंडल विथ केयर का लेवल कितना, ये इसकी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको रेट निकाल के कितनी क्वांटिटी लगेगी उस हिसाब से आपको यील्ड के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना है।
तो ये आपका आ गया, ये टोटल आया 14.40 रुपये। ठीक है, इसके ये आपकी कॉस्टिंग हुई। अब आपको प्रॉफिट कितना जोड़ना है इस पर, जितना भी 10% प्रॉफिट जोड़ना है तो ये 1.40 रुपये और जोड़ दीजिए, तो आपका हो गया 15.80 रुपये। 15.80 रुपये आपका कॉस्टिंग हो गया। अब आप इसको थर्ड पार्टी को दोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉस्टिंग करते हैं जनरली। अब इसमें क्या है, इसमें API का जो रेट है ये वेरी करते रहता है, तो ये आपको मार्केट पे वॉच करते रहना है कि किस समय आपको API उठाना है, और मतलब ये सही समय होगा तो आपका क्या होगा ये कॉस्टिंग। सपोज करो ये अगर हमें 8,000 रुपये मिला होता, देखिए 2,000 रुपये पर केजी का ही चेंज हुआ है, तो आपकी कॉस्टिंग कहाँ भाग जाती है, आपकी सीधी कॉस्टिंग 2 रुपये गिर जाती है। मतलब समझो कि ये इसी का खेल है। अगर API अगर आप पकड़ अच्छी बना ली आपने, तो API अगर आपने सस्ते में ख़रीदा तो आपका पूरा बाकी, देखिए ये पूरी पैकिंग मटेरियल 2 रुपये में सिमट रही है। अगर मान लीजिए आपका इसमें वायल का रेट मान लो थोड़ा कमता भी है, मान लो आप बहुत कोशिश करते हो तो 60 पैसे में वायल ले लेते हो आप, तो क्या फ़र्क पड़ता है आप देखो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। देखो मात्र 10 पैसे का फ़र्क पड़ा, जबकि अगर आप ये चीज़ जबकि अगर आप ये चीज़ पे इस चीज़ पे कंट्रोल कर लेते हो तो आपका पूरी की पूरी कॉस्टिंग आपके अंडर में भागती है, मतलब स्मूथ मूव करेगी। तो इंजेक्शंस में जनरली क्या होता है और ड्राई पाउडर में क्या होता है, जनरली जो है आपका API ही बहुत कुछ होता है, तो API से आपके रेट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वैरी करती है। तो इसलिए दोस्तों मेरा कहना है कि API पे पकड़ बनाएं, बहुत सारे वेंडर्स को अपने साथ जोड़ें और कंटिन्यूटी सर्च करते रहें, नए नए वेंडर से अपने रिलेशंस बनाते रहें। और इसके अलावा आप जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी बुक्स हैं, जितनी भी आपके API के डाटा है उसे खंगालें और अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ अपना टाई अप बढ़ाएं, जिससे क्या होगा कि आपको एक किसी भी API का एक बेस्ट रेट मिलेगा। और एक वेंडर पर डिपेंड ना रहें, 4-5 निगोशिएशन ज़रूर करें ताकि आपको पता चले कि उस API का रियल रेट क्या है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कंपनी को बेस्ट रेट दे सकते हो। और अगर आपने API में मैनेज कर लिया तो आपने सब कुछ मैनेज कर लिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।